एनसीपी साथ नहीं तो शिवसेना संघ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। इंडिया मीट में उठेगा चाचा भतीजे का मुद्दा, नाना पटोले। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि इस महीने मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन के कॉन्क्लेव में एनसीपी संस्थापक शरद पवार के साथ राजनीतिक रूप से अलग हो चुके उनके भतीजे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से उनकी विवादास्पद मुलाकात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। राज्य कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने कहा कि बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल शरद पवार को लेकर उनकी पार्टी में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पटोले ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दो प्रतिनिधि कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा थे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा हुई। पटोले ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि एक प्लान बी मौजूद है, जिसमें अगर एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो शिवसेना यानी यूवीटी और कांग्रेस एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि इस महीने मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन के कॉन्क्लेव में एनसीपी संस्थापक शरद पवार के साथ राजनीतिक रूप से अलग हो चुके उनके भतीजे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से उनकी विवादास्पद मुलाकात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। राज्य कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने कहा कि बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल शरद पवार को लेकर उनकी पार्टी में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पटोले ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि एक प्लान बी मौजूद है, जिसमें अलग एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन करती तो शिवसेना यानी यूबीटी और कांग्रेस एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो 40 से 50 सीटें जीत सकते हैं। नाना पटोले ने कहा कि राज्य में 3 सितंबर से महाराष्ट्र कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो रही है। कोर कमेटी की बैठक में इस पदयात्रा की रूपरेखा तय कर ली गई है। इस बैठक में 48 लोकसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षकों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। हमारी योजना केंद्र और राज्य में बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंक कर कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। महाराष्ट्र कांग्रेस विचारधारा का राज्य है। राज्य में ऐसी तस्वीर है कि अगर कांग्रेस और सहयोगी दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े तो 40 से 50 सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस उसकी तैयारी कर रही है। हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार है, हम उन्हें अपने साथ लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पटोले ने कहा कि आज किसानों और युवाओं की आत्महत्या बढ़ रही है। युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, कारोबार बंद है। पुणे में 218 युवाओं ने आत्महत्या की है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति है, लेकिन बीजेपी की प्रवृत्ति सत्ता से चिपके रहने की है। भले ही लोग मर जाएं, लेकिन उनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए।